ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी क्या गलती है? एक मिनट ललिता जी, ये क्या बात करने का तरीका है? इससे पहले भी तुमने हम सब पर इल्जाम लगाया था, सच्चाई जब सामने आई तो बात कुछ और ही थी। हमारे मेहमानों के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा जी समझाइए इसे, ये बदतमीजी हमको बिल्कुल पसंद नहीं। बोलिया चुप हो जाओ। एक मिनट का। अरे मिश्रा जी, अब जब इतनी बदतमीजी हो ही गई है ना, तो थोड़ा और सही। एक काम करो, आप ही ना इन सबको बता दो कि हमारी माँ की जो हालत हुई है ना, वो आपके जो दोस्त है ना, इनके परिवार की वजह से हुई है। ये जिम्मेदार है, आप ही बता दीजिए। इना ई नहीं, इसका ना अंदर का शराब बोल रहा है, इना अंग्रेजी अंदर गया और हिंदी बाहर आया। मिश्रा जी, हम गरीब भले ही हो सकते हैं, लेकिन हमें मजबूर इनके लफुए बेटे ने बनाया। अरे ये लड़की पगला गई है का? कब से उल जलूल बके जा रही है? अरे हमारा बेटा हीरा है, हीरा, वो कभी किसी का कुछ तो खराब नहीं कर सकता। वाह, अरे वाह, क्या बात बोली है लेडीज हरिश्चंद्र जी ने। हाँ, आपका बेटा लोगों के खिलाफ साजिश करता रहता है और आप उसकी वकील बनी फिर रहे हैं। क्या कहा तुमने कि हमारी माँ का कोई सहारा नहीं है? हम हैं हमारी माँ का सहारा, और हम अकेले नहीं है, चार है, चार, और चार ना 40 के बराबर है। रंजू की बेटियां हैं हम, समझी ना? समझी? बस बस, हम तुम्हारी बात समझते हैं। अगर बात करनी है ना, अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करते हैं। ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसे कोने कतरे में कोई बात नहीं होगी। हाँ, कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी ना, यही सबके सामने होगी। ये बिल्कुल ऐसे काहे कर रही है? काहे कर रही है सब तू? चल। रखिए का ऐसे क्या घूर रहे हो? अगर हमने शराब पी ली है तो क्या, तो क्या हो गया? आपके ही बेटे तो बिना पिए ही नशे में रहते। क्या बोलने जा रही है तुम? आज तुमने सारी हदें पार कर दी है, सबके सामने हमें बेइज्जत कर रही हो। चलो यहां से। चल। नहीं मां, कब तक ये करती रहेंगी आप? चुप बुलबुलिया, मत कर बुलबुलिया, रुक जा बुलबुलिया। कब तक हमें चुप करा के अपना दर्द छुपाती रहेंगी माँ? और क्यों सह रही है आप? किसके लिए? इस औरत के बेटे की वजह से हम बेघर हो गए, उसने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा माँ। जिस आदमी के भेजे हुए लिफाफे तक हमने नहीं खोले, आज हम खुद उसी घर में लिफाफे बने घूम रहे हैं। और आप अब भी चुप है? ये औरत, ये इसने आपका सुख चैन सब छीन लिया माँ, और आप फिर भी
इसे मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय चुप है। कब तक सहेंगी आप माँ? आपकी ये चुप्पी हमें मजबूत नहीं, मजबूर बना रही है। इस सब फसाद की जड़ ना एक गुड्डू मिश्रा है, ना वो इनके बेटे विशेष का रिश्ता लेकर हमारे घर आते और ना ही हमारी जिंदगी इस तरह से तमाशा बनती। माँ मिश्रा जी, आपको अपने दोस्त को दिया हुआ वादा खूब याद रहा, लेकिन शादी के फेरे लेते हुए जो कसमें ली थी आपने वो सब आप भूल गए? जो कुछ भी गलत हमारे साथ हुआ है ना, सबके जिम्मेदार आप ही हो। खुद तो इस कोठी में ठाट की जिंदगी जी रहे हो और हम लोगों को हमारी कोठरी में भी इज्जत से जीने नहीं दिया। हमारी माँ का ना एक एक आंसू आपकी वजह से गिरा। चार चार बेटियां क्या हुई, आप तो भाग गए छोड़ के, और वो भी किसके लिए? ये मेकअप की दुकान के लिए? उसने आपको क्या दिया? ये दो नमूने पैदा किए, लक्की और विकी, और आपको गर्व है इन पर? अरे ऐसे बेटों से तो बेटियां लाख गुना अच्छी है। बेटियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बेटियों का पैदा होना अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। बेटे चाहे कितने भी घटिया क्यों ना हो, उनका पैदा होना वाह बहुत अच्छी बात है। चाहे वो आपके ये बिगड़ेल बेटे हो या इनका वो बदमाश बेटा विशेष। अरे ऐसे बेटों से ना तो हम बेटियां लाख गुना अच्छी हैं। हमें कमजोर समझने की गलती मत करना गुड्डू मिश्रा। हम अपनी माँ के लिए ना दुनिया से लड़ जाएंगे, अगर अपने पे आई ना तो हम लंका जला देंगे। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा।